हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में पढ़ा था और कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था और अलग अलग टाइप के सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हम लोगों ने प्रूफ पढ़े थे, जिसमें हमने बताया था कि आप लोग को आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस होता है, वो होती क्या है, और अगर हमारे पास सिक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है तो उसके आइडेंटिकल न होने का क्या सिचुएशन है। अगर एक्स वन एक्स टू एक्स अगर हमारे आइडेंटिकल नहीं है तो एक्स वन हमारा किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, एक्स टू हमारे किसी दूसरे पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा और एक्स एन भी हमारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। मतलब एन रैंडम वेरिएबल मोस्ट प्रोबेबली एन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा या तो एन से कमी, क्योंकि तो हो सकता है कि कोई दो रैंडम वेरिएबल या दो से अधिक रैंडम वेरिएबल एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिर हम कहें कि अगर हमारे पास यही नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल ढेर सारे हो जाए तो इनका जो सम होगा वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा। ये सारी चीजें हम लोग चर्चा किए हुए थे सेंट्रल लिमिट थ्योरम में और उससे रिलेटेड बाकी अलग अलग प्रूफ हम लोग पढ़े थे, बर्नौली लॉ ऑफ लार्ज अरे बर्नौली के केस में हम लोगों ने सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में चर्चा की थी, ठीक है ना। अब इस क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में चर्चा करते हैं, जिसी को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ सीएलटी, जो कि आपका पार्ट ए यूनिट सेकंड का सेकंड लेक्चर है। आइए डिस्कस करते हैं क्या है। तो क्या है, देखिए पहला क्या है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम में, पहला एग्जांपल एक मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे से ट्रीट कर सकते हो कि इफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन, ठीक है ना, इफ एक्स वन एक्स टू डॉट एक्स एन छोड़ देते हैं, ठीक है ना, सिंपल, इफ एक्स वन एक्स टू डॉट अप टू इनफाइनाइट आर आई आई डी बाइनोमियल आर पी, ठीक है ना, बाइनोमियल आर पी और एस एन बराबर इसी सिक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल का क्या करेंगे, सम कर देंगे, इसी सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल का सम कर देंगे, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एसएन जो होगा वो हमारा एनआरपी होगा, ठीक है, और वेरिएंस ऑफ एसएन क्या हो जाएगा, समेशन ओवर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्सआई के बराबर हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, एनआरपी क्यू, वेयर क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, जहां पे क्यू की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी हो जाएगी, ठीक है ना, वेयर q इज इक्वल टू 1 वेयर q इज इक्वल टू 1 माइनस पी हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर हमें क्या मतलब, फिर जो प्रॉपर्टी बनती है ये, हाँ यहां जो लिखा हुआ है नहीं y माइनस, ठीक है, छूट गई यहाँ पे, ठीक है ना। और तो विच इंप्लाइज दैट यहां से हमें क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट a लेसर इक्वल टू, ठीक है, एस एन माइनस एन आर पी, एस एन माइनस एन आर पी अपॉन में वेरियंस ऑफ एन आर पी क्यू लेसर इक्वल टू बी, ठीक है ना, लेसर इक्वल टू बी, ये किसके बराबर होगा, पाई ऑफ बी माइनस पाई ऑफ ए, पाई ऑफ बी माइनस पाई ऑफ ए, जीरो लेस देन पी, जीरो लेस देन पी लेस देन वन, ठीक है ना। ये पहली प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इफ वाई एन इज बाइनोमियल वेरिएट विद पैरामीटर एन कॉमा पी, देन लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी ए लेस देन वाई एन, ये वाई सफिक्स में एन है, ये सफिक्स में एन है, वाई एन माइनस एन पी अपॉन में एन पी क्यू लेसर इक्वल टू बी इज इक्वल टू फाइव बी माइनस फाइव ए, जहां पे क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी है। लगभग सिमिलर एक जैसे प्रूफ दोनों के हैं। तो आइए इसका पहले प्रूफ देखते हैं। ठीक है ना,
ये जो कैपिटल फाई कैपिटल फाई ए फाई फाई बी है ये एक्चुअल में क्या है, ये फाई बी या फिर सिंपल हम कहें तो फाई जेड डिफाइन होता है प्रोबेबिलिटी दैट जेड लेसर इक्वल टू स्मॉल जेड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसका, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का, मतलब जेड फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन जीरो एंड वेरियंस वन, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो फाई जेड डिफाइन होता है और यही फाई बी माइनस फाई ए है। कहने का मतलब ये है, ये देखिए ऐसा एक रैंडम वेरिएबल हो गया जिसका मीन हमारा एनआरपी है, वेरियंस है एनआरपी क्यू, तो मीन में से उस अरे रैंडम वेरिएबल में से उसकी मीन घटा दिए और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिए, तो ये जो वेरिएट बन रहा है, कहने का मतलब इसका जो नेचर है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट हो रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी बराबर क्या होता है एफ बी माइनस एफ ए फॉर ए कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ एफ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बन रहा है, तो इसलिए उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का नोटेशन अलग होता है, कैपिटल फाई होता है, एक होता है स्मॉल फाई एक होता है कैपिटल फाई। स्मॉल फाई क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ होता है जो कि ये वाला आप लोग पढ़े होंगे, वन अपॉन अंडर रूट टू पाई सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वन बाई टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, और इसी का जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते हैं तो हमारा कैपिटल फाई निकलता है, ठीक है ना। बाकी जो इसकी रेंज होती है वो तो आप लोग को याद होगा कि रियल नंबर को फॉलो करती है रेंज, रियल नंबर होती है और मीन भी इसका रियल नंबर ही होता है, वेरियंस ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर। तो आइए इस बात को हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। लेट एक्स वन एक्स टू लेट एक्स वन एक्स टू डॉट 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 बी आई आई डी बी आई आई डी बर्नौली वेरिएट्स आई आई डी बर्नौली वेरिएट्स, ठीक है ना, दैट इज एक्स आई फॉलो कर रहा है बर्नौली वन कॉमा पी को, ठीक है ना, बर्नौली वन कॉमा पी को, ठीक है ना, सॉरी ये इसका प्रूफ नहीं है अभी, हाँ आई आई डी बाइनोमियल वेरिएट्स है, ठीक है ना, यहाँ पे इसका मैं प्रूफ थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आई आई डी बाइनोमियल वेरिएट यदि एक्स आई फॉलो कर रहा है बाइनोमियल आरपी को, ठीक है ना, बाइनोमियल आरपी को फॉलो करता है, ठीक है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, सो वी हैव फ्रॉम additive property we have from additive property of binomial distribution, ये independent है और identical भी है और p की value same है ना, identical कहने का मतलब है p सब में same है, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, Sn is equal to x1 plus x2 plus dot 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 plus xn, ये किसको फॉलो करेगा, follows by additive property, ठीक है, ये rp को फॉलो कर रहा है तो n है तो follows करेगा binomial n r comma p, binomial n r comma p, so
क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn, जैसा कि यहां पे प्रूफ हुआ, चाहे तो आप यहां से भी कर सकते हो, ये पूरा n कवर करेगा, तो कितना हो जाएगा np, यहां पे nrp है तो nrp और वेरिएंस ऑफ, फिर उसी तरीके से Sn क्या हो जाएगा, nrp q, where q is equal to 1 minus p, ठीक है, ये तो होता ही है। अब फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक मिनट, हाँ तो इसके बाद क्या हो जाएगा, सो वी हैव by the central limit theorem, so we have by the central limit theorem, ठीक है ना, so we have from the central limit theorem, from the central limit theorem करते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, from the central limit theorem, from the CLT, क्या हो जाएगा, Sn minus expectation of Sn, upon में variance of Sn is asymptotically volume normal 0, 1 as n tends to infinite, hence क्या हो जाएगा, limit n tends to infinite, probability that a lesser equal to Sn minus expectation of Sn upon में square root of variance of Sn lesser equal to b, जो कि कितना हो जाएगा, probability that n tends to infinite, अब देखिए, अब ये जो कि फॉलो करता है लिमिट n tends to infinite पे, z को फॉलो, ये z जो है ये नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये लिमिट के सेंस में है तो इसलिए लिमिट हमारा इस पे अप्लाई हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a lesser equal to z lesser equal to b, जहां पे हम लिख सकते हैं z follow normal 0, 1, ठीक है ना, तो फिर यहां से कितना हो जाएगा, phi b minus phi a, ठीक है ना, phi b minus phi a, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया फ्रॉम सीएलटी, एप्लीकेशन ऑफ सीएलटी मैंने लगा दी थी, फॉर लार्ज है ये जो टर्म है, ये नॉर्मल को फॉलो करेगा, इसलिए जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी ये हमारे कुछ इस तरीके से होगी, ये एक बार ऐसे आप देख लीजिए तो ध्यान से, तो ये क्या है, ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर के टाइप का है, कि हमारा जो ये टर्म है, ये जो नंबर है, इसका कहने का मतलब क्या होगा, यहां से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि Sn माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn, ठीक है ना, अपॉन में रूट में वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, आपको मैं समझा देता हूं क्या होता है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है प्रोबेबिलिटी दैट लिमिट n tends to infinite, probability that mod of x bar minus, suppose कर लीजिए a less than epsilon, ठीक है ना, is tending to one as n tends to infinite, जहां पे epsilon बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो ये है, यानी कि इसका नेचर और इसका नेचर दोनों का सेम होगा, है ना, ये किसी पर नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है, ये कुछ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर टाइप का ही है, कि अगर हम कहें या फिर कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन भी आप समझ सकते हो, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन की एक्चुअल में यहां पे बात है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर की नहीं, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर मिला करके बात है, या फिर कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ही समझ सकते हो, कि जो हमारा Sn माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn अपॉन में वेरिएंस ऑफ Sn की जो बात है, ये हमारा क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है किस पे, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को कन्वर्ज कर रहा है,
क्यों? क्योंकि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मतलब SN upon expectation of SN upon में variance of SN, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो कन्वर्ज कर रहा है नॉर्मल के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, कन्वर्ज करे कैसे? क्योंकि हमारा जो इसका MGF था ये नॉर्मल के MGF को कन्वर्ज कर रहा था। जब नॉर्मल MGF जब कन्वर्ज कर रहा है तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है यूनिकनेस थ्योरम से। तो MGF अगर सेम हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। PDF भी अप्रोक्सीमेटली PDF भी सेम हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। तो ये अगर देखा जाए तो ये कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रॉपर्टी है ना। तो यहां से आप समझ सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ही कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि ये पूरी की पूरी नॉर्मल की प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं और यहाँ क्या है, बाइनोमियल है, लेकिन फॉर लार्ज एन इसकी जो प्रॉपर्टी है हमारी नॉर्मल से पूरी तरीके से नॉर्मल पूरी तरह से कन्वर्ट हो गई, मतलब कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर के अगर सेंस में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा कि SN जो हमारा मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल है, ये जो स्टैंडर्डाइज्ड बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, ये फॉर लार्ज एन इनके और इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, मतलब इन प्रोबेबिलिटी सेंस में ये इस पे कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। इन प्रोबेबिलिटी सेंस ये इस पे कन्वर्ज कर रहा है, ये होता है। तो आते हैं फिर आगे, नेक्स्ट प्रूफ, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ yn इज बाइनोमियल वेरिएट विद पैरामीटर n एंड p देन लिमिट दिस, सेम प्रॉपर्टी है, एकदम सेम प्रॉपर्टी है उसी तरीके से, बस यहां पे बाइनोमियल nrp चल रहा था और यहां पे क्या है, बाइनोमियल np है, सेम प्रॉपर्टी है। इसके बाद भी एक है हाँ ये वाली, इसको भी ठीक इसी तरीके से ही करना है। और फिर ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, डिमावर्स लाप्लास थ्योरम, ये फिर से क्यों लिख दिया गया, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज इंडिपेंडेंट असिम्प्टोटिकली नॉर्मल, ये डिमावर्स लाप्लास थ्योरम फिर से मतलब चालू कर दिया गया। इस पेज को मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये पेज मैंने अभी लास्ट क्लास में पढ़ाई हुई थी, ये टाइपिंग वाले की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आइए इसको पहले प्रूफ करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, जो जितना समय रहेगा उस समय में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, yn इज अ बाइनोमियल वेरिएट विद पैरामीटर n, p देन लिमिट दिस, ठीक है ना। तो आइए देखिए करते हैं इसको हम लोग, लेट एक्स वन एक्स टू एक्स एन, ठीक है ना, बी आर, लेट एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट इनफाइनाइट सीक्वेंस है ना, बी आई आई डी रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, आई आई डी या फिर रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलोइंग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलोइंग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज बी वन कॉमा पी, मतलब एक ट्रायल और सक्सेस ऑफ ट्रायल, ये सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू क्यू, ये यहां पे बात हो रही है, ठीक है ना। देन फिर से वही बात, देन SN जो होगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn, ये किसको फॉलो करेगा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद पैरामीटर n, p, ये भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है विद पैरामीटर 1 कॉमा p, जो कि बर्नौली ही होता है, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, हेंस जैसे यहां पे हम लोग पीछे किए थे ना,
यहाँ पे हम लोग समेशन सर शो किए हुए थे, तो यहाँ पे हमने मान के क्या रखा है कि यहाँ पे हमारा जो Sn है या फिर Sn जो है या फिर yn जो है बायनॉमियल बाय रेट है, तो अगर yn हमारा बायनॉमियल बाय रेट है यानी कि ये सम ऑफ बर्नौली बाय रेट होगा, ये सम ऑफ बर्नौली बाय रेट होगा तभी ये बायनॉमियल बाय रेट हो रहा है yn, ठीक है ना। हेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग Sn instead of using Sn, using yn instead of using Sn, ऐसा लिख देते हैं ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। Hence using yn, yn क्या है, sum of independent बर्नौली बाय रेट का सम है, जैसे यहां पे ऐसे डिफाइन किया गया। Hence using yn instead of using sn, instead of using sn, ठीक है ना, we have क्या हो जाएगा, ठीक है, सेम तरीके से जैसे प्रीवियस वाले पार्ट हमने किया है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, a लेसर इक्वल टू yn माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ yn अपॉन में वेरिएंस ऑफ yn लेसर इक्वल टू b, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट a लेसर इक्वल टू yn माइनस कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ yn हो जाएगा np अपॉन में वेरिएंस ऑफ yn हो जाएगा np q लेसर इक्वल टू b, और ये किसको फॉलो कर जाएगा, ठीक है ना। तो अब यूजिंग ये CLT यहां से हमारा क्या हो जाएगा, फिर से वही लेते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी दैट a लेसर इक्वल टू z लेसर इक्वल टू b, तो यहां से कितना हो जाएगा, पाई बी माइनस पाई ए, जेड क्या है नॉर्मल 0-1 को फॉलो कर रहा है, एंड यूजिंग CLT का यूज करके, ठीक है ना। सेम डिटेल्ड प्रूफ में आप ऐसे लिखोगे, और ये हम लोग जानते थे प्रॉपर्टी, इसलिए ऐसे यहां पे बना दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिर से वही yn माइनस, देखिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है yn, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ yn कितना हो जाएगा n, क्योंकि मीन वेरिएंस दोनों सेम होता है, और वेरिएंस ऑफ yn भी कितना हो जाएगा n, लेकिन डिवाइड में क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां से फिर से अगर हम चले तो ये सम ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइसन वेरिएट को हम इस बोल सकते हैं सम ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइसन वेरिएट है, जिसमें हम लोग अलग अलग सम बोल रहे हैं 1, 2, 3 अप टू n, ठीक है ना। हमारे पास सम ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइसन वेरिएट जिनका सम कर रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है, पॉइसन n मिल रहा है ना। अभी आप देखते हैं समझ में आ जाएगा कैसे करना है आपको, ये आइडिया आपको लग जाएगा खुद ही। बाकी सब तो सही है, ठीक है ना। आइए करते हैं, देखिए लेट एक्स वन एक्स टू बी आई आई डी पॉइसन वन वेरिएट बी आई आई डी पॉइसन वन वेरिएट देन एस एन इज इक्वल टू, हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट 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 प्लस एक्स एन, ठीक है ना, जो कि फॉलो करेगा किसको, पॉइसन
एन को फॉलो करेगा बाय एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाय एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को यह शो करना है कि ये सम ऑफ अलग अलग रैंडम वेरिएबल का सम है, ठीक है ना। ये पॉइसन एन जो फॉलो कर रहा है वाई एन, ये हमारे अलग अलग पॉइसन का सम है, ठीक है ना। आईआईडी कहा गया इसीलिए अलग अलग कह रहा हूं, ठीक है। आईआईडी मान ले रहा हूं, ठीक है ना। आईआईडी मान के चलो तभी ना सम होगा, क्योंकि आप लोग को मैंने याद होगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी बता दी, एडिटिव प्रॉपर्टी की, सम ऑफ रैंडम वेरिएबल अगर पॉइसन को फॉलो कर रहा है तो जिनका वो सम रहता है वो भी अलग अलग किसको फॉलो करते हैं, पॉइसन को फॉलो करते हैं। अभी मैंने क्लास में लास्ट क्लास में समझाया था, तो सेम उसी तरीके से कि वाई एन अगर हम मान लेते हैं कि सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना, तो वाई एन तो फॉलो कर रहा है पॉइसन एन को, तो जो इंडिपेंडेंट अलग अलग रैंडम वेरिएबल होगा वो अलग अलग पॉइसन को फॉलो करते हैं। जस्ट अपोजिट माना कि लेट एक्स वन एक्स टू एक्स लेट एक्स वन एक्स टू अप टू इनफिनिट ये फॉलो कर रहे हैं आईआईडी रैंडम वेरिएबल, ये सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है। अब इनका हम सम अगर करेंगे तो कैसे फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर जाएगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद एंड वो एन पैरामीटर विद मीन एन या फिर विद पैरामीटर एन। तो अब हम क्या करें, फिर से वही काम करेंगे यूजिंग हेंस using yn instead of sn we have expectation of yn कितना हो जाएगा n और जो कि बराबर होगा variance of yn के, ठीक है ना। so By CLT क्या हो जाएगा, ये yn minus expectation of yn upon में square root of yn, इसको हम लिख सकते हैं yn minus n upon में root में n, ये follow करेगा normal distribution with mean 0 and variance 1 as n tends to infinite, ये इसको follow करेगा। इससे फिर हमें क्या मिलेगा कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट ए लेसर इक्वल टू वाई एन माइनस एन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये किसको फॉलो करके जेड बन जा रहा है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट ए लेसर इक्वल टू जेड लेसर इक्वल टू बी, और फिर यहां से हो जाएगा ये वाई बी माइनस ठीक है ना। और फिर क्या करना है उसके बाद, दस फॉर इंस्टेंस इसको प्रूफ करना है कि हमारा ये क्या होगा, ठीक है ना। लिमिट एंड ये इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे इतने पे आप समझ सकते हो कि लिमिट क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से, नाउ इसको अलग कलर से करते हैं। नाउ लिमिट n tends to infinite probability that y lesser equal to n is equal to y n होगा ना, y n lesser equal to n is equal to हम लिख सकते हैं क्या y n, क्योंकि पॉइसन वेरिएट है तो ये greater than 0 होगा ना, greater than 0 y n lesser equal to n। फिर क्या करेंगे हम लोग इसमें, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट माइनस एन अपॉन में, देखिए इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट में क्या करेगा कन्वर्ट, जीरो माइनस एन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये कैसे कर रहे हैं देखिए ध्यान से, दोनों तरफ हम लोग मीन घटाएंगे, दोनों तरफ मीन घटा करके दोनों तरफ स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे, तो हमारा इधर माइनस एन करेंगे, इधर ही माइनस एन करेंगे, इधर ही माइनस एन करेंगे, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा देखिए, लेसर इक्वल टू वाई एन माइनस एन, फिर यहां लेसर इक्वल टू एन माइनस एन, फिर डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एन से, तो डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एन से, ठीक है ना। तो फिर यहां पे कितना हो जाएगा लिमिट
n टेंस टू इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा माइनस ऑफ रूट एन लेसर इक्वल टू, ठीक है ना, इसको z, इसको मान लेते हैं ऐसे ऐसे ही जान लेते हैं, वाई एन अपॉन में रूट एन लेसर इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। जब लिमिट इस पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा z और ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट और ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट लेसर लेस देन z, इनफाइनाइट टर्म को इक्वल नहीं ले सकते, इनफाइनाइट तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना, और लेसर इक्वल टू जीरो जो कि इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस इनफाइनाइट से लेकर जीरो तक की वैल्यू पाई ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू वन बाई टू, जो कि वन बाई टू के बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये बात यहां से प्रूफ हो जाती है, ठीक, इतनी बात आप लोग को हमें लगता है कि समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करते हैं आगे, यहां से देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या है, देखिए एक मिनट, हाँ नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लियापनोव सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो गलत लिख दिया गया था उसकी स्पेस उसकी प्लेस पर हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। लियापनोव CLT, इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, देखिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा यहां से। देखिए लेट, स्टेटमेंट क्या है, लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट है iid नहीं है ना, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है ना, सच दैट such that expectation of xi is equal to mu i, ठीक है, और variance of xi is equal to sigma square i from 1 to n let us suppose let us suppose that third absolute moment say rho I cube of xi, मैं बताऊंगा rho I cube क्या है, xi about its mean exists, that is rho I cube is equal to
क्या हो जाएगा, देखिए एब्सोल्यूट मोमेंट है, थर्ड एब्सोल्यूट मोमेंट मतलब कहने का मतलब है कि एब्सोल्यूट मोमेंट मतलब पहली बात तो एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, मोमेंट मतलब यहां पे समझिए कि एक्स आई माइनस म्यू आई, क्योंकि अबाउट मीन कहा गया है, और इसका फिर थर्ड करना है मतलब क्यूब, एब्सोल्यूट हो गया मॉड लगा दिए और मोमेंट निकालना है तो हम लोग एक्सपेक्टेशन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन, ये एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है I from 1 to n is finite, exist कर रहा है और क्या है finite है, ठीक है ना, क्या है finite है, तो ये इतना हो गया। further let that, further let That, हम रो क्यूब मान ले रहे हैं किसको, इन सारे रो आई क्यूब के सम को, हम क्या मान ले रहे हैं रो क्यूब मान ले रहे हैं, देन यहां पे फिर इतना बात सारा हो गया, इफ रो अपॉन सिग्मा सॉरी इफ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट रो अपॉन सिग्मा n tends to infinite rho upon sigma is equal to zero, अगर ये zero है ठीक है ना, the sum x1 plus x2 plus dot dot xn the sum x1 plus x2 dot dot xn The sum x बराबर this, ठीक है ना, is asymptotically is sorry asymptotically asymptotically ठीक है ना is asymptotically is asymptotically normal mu comma sigma square, ठीक है ना। तो अभी बहुत सारी चीजें माने हैं कि हम लोग क्या माने हैं कि एक्साइज जो हमारे हैं वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है जिनके मीन यू वाई है और वेरिएंस सिग्मा इस पे मतलब आइडेंटिकल नहीं है, और ये इसका फर्स्ट मोमेंट हो गया, ये इसका सेकंड मोमेंट हो गया अबाउट ओरिजिन, और फिर इसका जो थर्ड मोमेंट है अबाउट मीन जो है वो हमारा है रो आई क्यूब, एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है, और इनके सारे रो आई क्यूब का जो सम है वो रो क्यूब मान दिया, तो फिर जब यहां से रो की वैल्यू निकालेंगे तो इसके पावर 1 बाई 3 होगा, तो रो अपॉन सिग्मा अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 0 हो रहा है तब द सम जो xn है मतलब x जो है xn इसको हम डिफाइन करते थे, यहां पे x डिफाइन किए हैं, ये किसको फॉलो करेगा असिम्प्टोटिकली नॉर्मल को फॉलो करेगा ठीक है ना, वेयर म्यू इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 टू n म्यू आई और सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 टू n सिग्मा आई स्क्वायर, यही थ्योरम है ठीक है ना, यही हमारा थ्योरम है। तो देखिए कैसे इसका मतलब अगर छोटा सा अगर हम प्रूफ करें ठीक है ना, अगर इसका अगर एक अंदाज लगाए कैसे प्रूफ होगा तो देखिएगा, रो अपॉन सिग्मा अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, अगर सब आइडेंटिकल एक बार के लिए मान लेते हैं ठीक है ना, आइडेंटिकल अगर हम मान लेते हैं तो क्या होगा ठीक है ना, यहां पर प्रूफ फॉर आइडेंटिकल केस के लिए लेके चल रहे ना, ऐसे भी हो जाएगा, यहां बस डिफाइन कर रहे हैं प्रूफ फॉर आइडेंटिकल केस, आइडेंटिकल केस, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू म्यू आई इज इक्वल टू हमारा म्यू हो जाएगा, म्यू वन मान लेते हैं इसको ठीक है ना, म्यू तो ये हमारा है ना, और तो वेरियंस ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा आई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वन स्क्वायर हो जाएगा, और
एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस म्यू आई का होल क्यूब इज इक्वल टू जो रो आई क्यूब है वो किसके बराबर हो जाएगा, रो वन क्यूब के बराबर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा. विच इंप्लाइज दैट यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ अगर हम एक्स निकालें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा एन म्यू होगा ना, एन म्यू वन. वेरियंस ऑफ एक्स निकालें, वेरियंस ऑफ एक्स निकालें तो हो जाएगा एन सिग्मा वन स्क्वायर. और ठीक है उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन ऑफ ये तो वैसे यहां पे जो समेशन ऑफ रो आई क्यूब होगा आई फ्रॉम वन टू एन, ये पूरा लिखने जाएंगे समेशन ऑफ रो आई क्यूब जो हो जाएगा वो एन रो वन क्यूब हो जाएगा. ठीक है सर, सारे के सारे कॉन्स्टेंट है एन रो वन क्यूब हो जाएगा. तो यहां से अप्लाई करते हैं लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट. ठीक है ना, एन टेंस टू इनफाइनाइट. ठीक है ना, अब सीधी सी बात है कि इतना देखिए, अब यहां समझिए कि अगर आइडेंटिकल केस होता है तो सम ऑफ इस वाले स्टेटमेंट को ही भूल जाइए ना, बस केवल इतना ही समझिए कि अगर हमारा सम ऑफ अलग अलग इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होते हैं आइडेंटिकल होते हैं तो इनका जो सम होता है वो नॉर्मल को फॉलो करता है विद मीन दिस एंड वेरियंस दिस. ये तो पता ही आप लोग को है ना. बस अब देखिए कि क्या ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है. इसमें अगर आइडेंटिकल नहीं होता है तो भी हमारा इस वाले पार्ट को भूल जाइए, थर्ड मोमेंट के एरिया को भूल जाइए, पार्ट को छोड़ दीजिए, तो भी हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है. बस हमको ये वेरीफाई करना है कि क्या ये होता है कि नहीं होता है ना, क्या ये होता है कि नहीं होता है आइडेंटिकल वाले केस में. तो आइए चेक करते हैं लिमिट रो अपॉन में सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी. देखिए रो की वैल्यू ये हमारा एक्चुअल में रो का क्यूब हो जाएगा है ना, ये हमारा कितना हो जाएगा रो का क्यूब हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, ये मीन हो जाएगा है ना. इसको एक बार मैं मिटा के सही से लिख दे रहा हूं. थोड़ा समय स्पेस बना करके लिख दे रहा हूं. ये हो जाएगा म्यू, ये म्यू हो जाएगा एन म्यू वन, और ये सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सिग्मा वन स्क्वायर, और ये हो जाएगा रो का क्यूब. तो रो बराबर कितना हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन रो वन, एन रो वन क्यूब की पावर वन बाई थ्री अपॉन में सिग्मा, सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा एन सिग्मा वन स्क्वायर के पावर वन बाई टू. तो यहां से कितना हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा एन के पावर वन बाई थ्री रो वन अपॉन में एन के पावर वन बाई टू सिग्मा वन. अब यहां से देखिए ये पावर छोटा है ये पावर बड़ा है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको नीचे कर ले रहे हैं, इसको अगर हम नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट. जब इस एन को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 1/2 - 1/3 मतलब 1/6. तो 1/n^(1/6) इनटू रो वन अपॉन में सिग्मा वन, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई होकर के टर्म जीरो आ जाएगा. तो यहां से देखिए ये टर्म सेटिस्फाई हो रही है. यही होता है लियोपनॉफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम कि अगर हमारे पास आइडेंटिकल नहीं दिया हुआ, आईआईडी दिया हुआ है और थर्ड मोमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा रो अपॉन सिग्मा की वैल्यू जीरो होगी, हो रही है तो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा. और अगर ये नहीं होता है तो भी आप लोग जानते कि ये हो रहा है, दोनों सिचुएशन है. ठीक है ना, तो एफ रो अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू जीरो,
तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। ये सिचुएशन भूल जाइए, केवल ऐसे भी समझेंगे तो भी हमारा ऐसा बात सही है। आइडेंटिकल केस में समान इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल को फॉलो करते हैं, हमारा नॉर्मल को फॉलो करते हैं, उसके साथ ये सिचुएशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिल रही है, ठीक है। तो इतनी बात हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहां से हम लोग एड की बात कर लेते हैं। अगर ये क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं तो यूट्यूब के बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की नवोदय बैच क्लास हमारी चल रही है, ठीक है, जिसमें बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और बीकॉम चल रहा है, मतलब कॉमर्स की क्लासेस चल रही है, ठीक है। जिसके फीचर्स क्या है, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस है, लाइव डाउट क्लास चलती है, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं जो कि आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, PYQ कराए जाते हैं, वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज कराए जा रहे हैं, वन टू वन मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, और इसका पूरा ड्यूरेशन कितना है, 3 साल का है, 3 महीने का है, ठीक है ना। और इस 3 महीने का कंबाइंड जो फीस है वो कितना है, 1250 है, जिसकी वैलिडिटी कितनी है, 1 साल के लिए है। और हमारे ऐप को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, DNS, ठीक है, आप लोगों को नोट्स में शो करता हुआ दिख जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, जो कि यहाँ पे अपीयर अभी नहीं हो रहा है, जब आप लोगों को नोट्स मिलेगा तो उसमें अपीयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।